दूसरे जंगे अजीम के बाद दुनिया ने उस जैसा तजर्बा दोबारा तो नहीं किया, मगर टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की का मतलब यह है कि वर्ल्ड सुपर पावर्स के दरमियान कोई भी लड़ाई एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ सकती है। हम जानते हैं कि बहुत सालों से अमेरिका और रशिया जंग के दहाने पर खड़े नजर आते हैं, मगर शुक्र है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अब अगरचे चीन के रूस ने बहुत से लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया है कि अमेरिका के साथ जंग एक तबाही हो सकती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज हर तरह से एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल हैं, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, टेक्नोलॉजिकली हो या मिल्ट्री को लेके हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट सलमान। आज का ये टॉपिक शुरू होता है अमेरिकी एयरफोर्स के एक जनरल की जानिब से दिए गए बयान पर, जो उन्होंने 28 जनवरी 2023 को दिया। जनरल माइक मिनी हीन का कहना है कि अगले दो सालों में अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। उन्होंने कहा, उम्मीद करता हूँ मैं गलत साबित हो जाऊँ, मगर मुझे खदशा है कि 2025 में जंग होगी। जनरल माइक ने कहा, 2024 में अमेरिका और ताइवान दोनों में सदारती इलेक्शन होंगे, जिसमें चाइना के पास फौजी कार्रवाई का मौका होगा। दोस्तों, चाइना सुपर पावर बनने के लिए तेजी से उभरा है और अब अमेरिका के मध्य मुकाबल खड़ा होने के लिए बहुत करीब है। 1978 से चेयरमैन मायो की डेथ के बाद चाइना की इकोनॉमिकल ग्रोथ स्टार्ट हुई और चाइना की जीडीपी हर साल 10% की एवरेज से बढ़ती गई। 1978 में चाइना की जीडीपी 149 बिलियन डॉलर्स थी, जो अब 21 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ चाइना इस तरक्की को अपनी फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करती है। चाइना अमेरिका के बाद अपनी फौज पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला मुल्क है, और साथ ही साथ चाइना अपने एटॉमिक वेपन्स के जखीरे में भी इजाफा कर रहा है। चाइना की जानिब से एक इंतहाई खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार किया जा रहा है, जबकि साइबर जंग में चाइना पहले से ही आलमी रहनुमा है। अब अगर चाइना और अमेरिका की मिलिट्री स्पेंडिंग्स की बात कर ली जाए, तो अमेरिका अब भी बहुत मार्जिन से पहले नंबर पर है। अमेरिका ने साल 2022 में अपनी मिलिट्री पर 801 बिलियन डॉलर स्पेंड किए हैं, जबकि चाइना ने 293 बिलियन डॉलर स्पेंड किए। अगर देखा जाए तो चाइना हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी जमीनी ताकत रहा है, लेकिन पिछली कुछ दहाइयों से उसने नेवल फोर्स में भी सबको पीछे छोड़ दिया है। अब चाइना के पास किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा बहरी जहाज हैं, जो चीन के मुफादात और तहफ्फुज के लिए बनाए गए हैं। चाइना के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि चाइना के पास 2025 तक एक बहुत बड़ी फौज होगी, जो कोई भी जंग लड़ सकती है और वो जीत सकती है। शी जिनपिंग कई सालों से सबसे ताकतवर लीडर हैं। 2018 में चाइना में दो दफा सदर बनने की मुद्दत को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद शी जिनपिंग अब ता हयात सदर रहेंगे। वो हुकूमत के मरकज में हैं और तमाम निशानियां ये हैं कि शी जिनपिंग अपनी तमाम मुआशी और मिलिट्री फोर्स को अमेरिका के साथ जंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं। अमेरिका और चाइना बहुत दहाइयों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा बड़ी जंग का एक हकीकी इम्कान बनता जा रहा है। तो अब बात यह है कि ये जंग शुरू होने की वजह हो क्या सकती है? ताइवान। जी हाँ, शायद किसी भी तनाजे के शुरू होने की वजह सिर्फ ताइवान ही हो सकती है। चीन के जनूब मशरकी साहिल पर वाकया एक छोटा सा जजीरा, जो 1949 में कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद चाइना से अलग हो गया था। ये है तो एक जमहूरी मुल्क, मगर चाइना और अमेरिका के लिए ये बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। चाइना का ख्याल है कि ताइवान इसके मुल्क का ही हिस्सा है, जो इससे जुदा हो गया था, और ताइवान के लीडर्स ने भी दोबारा इत्तेहाद करने का अहद किया है, जबकि ताइवान अमेरिका के लिए एक डेमोक्रेटिक एलाई की हैसियत रखता है। ही में अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस आइलैंड के हवाले से कहा कि अमेरिका इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करेगा, चाहे उसे फौजी मदद ही क्यों ना भेजनी पड़े। जबकि शी जिनपिंग ने पहले से ही चाइनीज मिलिट्री को ताइवान में तैनात किया है, और ये महज एक बात नहीं है। 2021 से चाइनीज मिलिट्री को ताइवान की हदूद में बढ़ाया जा रहा है, जो कि चाइना की तरफ से जंग की ही एक वार्निंग है। अब सवाल ये है कि अगर सच में 2025 तक अमेरिका और चाइना जंग के लिए जाते हैं, तो फतह किसकी होगी और इस जंग से कौन कौन मुतासिर हो सकता है? अगर चाइना और अमेरिका की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया जाए, तो अमेरिका की तरफ से मारा गया एक चाइनीज 10 चाइनीज को जंग के मैदान में खड़ा कर देगा। यूएसए का चाइना की हदूद में दाखिल होकर जंग जीतना तकरीबन नामुमकिन है, और अगर जंग मजीद बढ़ जाती है, तो इस बात से इनहराफ नहीं किया जा सकता कि दोनों एटमी कुव्वतें भी हैं। अगर ये जंग एटमी तबादले की तरफ जाती है, तो इससे सब कुछ तबाह हो जाएगा।
यूएनओ और दीगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दोस्त ममालिक को इकट्ठा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान अमेरिका की तरफ जाएगा तो भारत चाइना की तरफ जाएगा, अगर यूक्रेन अमेरिका का साथ देना पसंद करेगा तो रशिया चाइना को सपोर्ट करना पसंद करेगा, और इस तरह दुनिया यकीनी तौर पर तकसीम हो जाएगी। इस किस्म के तनाज़ात की हद का तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन। मगर बात जब दो एटमी ममालिक की हो तो दोनों की कोशिश जंग से परहेज करना ही होती है। एक बात तो यकीनी है, अगर अमेरिका और चाइना की ये जंग हुई तो इस जंग को सदियों तक याद रखा जाएगा, फिर चाहे वो कोल्ड वार हो या हॉट। इसी के साथ मैं आप देखने वालों से इजाज़त चाहता हूँ, फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर आप डेली हिस्ट्री जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें। मेरी इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।